Little fits make me stay with you. Eyelashes moving softly, little arms. Welcome back to my new vlog. तो कल मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और फिर मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी. मम्मी को पता नहीं क्या हो गया, मतलब पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, चला नहीं जा रहा बिल्कुल भी. और अब मैं लगा थी पोचा, ऊपर लगा के आई हूँ, अब नीचे देखते हैं क्योंकि मेड को मतलब अब तो बहुत जल्दी जल्दी ढूंढ रहे हैं क्योंकि फिर वीर भी अभी बहुत छोटा है, उसको भी संभालना होता है, फिर घर का काम भी, मम्मी की तबीयत ख़राब होती है, फिर मेरे से दो दो मैनेज नहीं हो पा रहा है. फिर अब देखते हैं कोई मिलती है तो, क्योंकि आप लोगों ने तो किसी को बताया नहीं कोई. तो गाइस फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद. इतने में लगाती हूँ अपना पोचा, अभी तो कुछ खाने की भी तैयारी नहीं है, ऑलरेडी 8:30 हो गए हैं. तो देखते हैं क्या करते हैं, कैसे करते हैं, बड़े परेशान हैं लेकिन. तो गाइस अब हमारे यहाँ ऊपर वीर को नहाई नहाई करवाएंगे. अरे वीर ने दो दो कैप वो पहन रखी है. वीर गॉड ब्लेस यू. नहाने के बाद हमेशा वीर एक स्नीजिंग जरूर करता है, देखना कितना प्यारा लग रहा है, मैं बेटू की नजर लग जाएगी. चलें अब, चलो अब खड़े हो जाओ, चले नीचे. तो गाइस वीर नहा के रेडी हो गया है, अपने इसके साथ खेल रहा है, इसकी ट्रेन का वो टूट गया. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. चलो अब कैप पहन लो अपनी, फिर चलते हैं. कैप पहना के लेके चलूंगी नीचे. वीर चले, चलो खड़े हो गोदी में, चलो गोदी में. तो गाइस फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद. मम्मी की तबीयत खराब तो वीर को छोड़ देते हैं बाहर, वीर के पापा और दादू के पास. फिर उसके बाद मैं करूँगी काम अपना. तो फिर गाइस मिलते हैं थोड़ी देर. राइस एंड खुला खुला छोड़ रखा है आज. तो अब इसको अंदर कर देते हैं क्योंकि वीर आ गया, अब वीर खेलेगा. तो गाइस मैं बना रही हूँ दाल, दाल में लगा रही हूँ तड़का. ये मेरे टमाटर, हरी मिर्च, आटा मैंने लगा दिया. तो गाइस अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है मेरा, अभी बस खाना बनाना है, पोछा लगाना है, बहुत काम रह रहा ऊपर ऊपर का ही हुआ. वीर को नहलाने चली गई, फिर अब वीर को धूप में बिठा के आई हूँ बाहर, अब सब धूप में बैठे हैं. इतने मैं अपना कर लेती हूँ जो भी होता है, वैसे पता नहीं आज तो खाना कब खाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी 10:30 हो गए हैं और अभी तो खाना बन रहा है. फिर दूंगी 12 बजे तक सब कुछ, फिर नहा के आऊँगी, पोछा लगाऊंगी. अब एक तो आज बच जाना है शायद, अब ठीक लग रही है बहुत. गाइस चलो फिर पहले करते हैं काम, फिर बचते हैं. रोटी तो बन गई, रामू भाई की रोटी लेके जा रही हूँ अब, और सबके आके बनाऊँगी. पहले बाहर दे आती हूँ और पूछ आती हूँ उनसे, पापा और इनसे, मम्मी से कि कब तक खाना खाएंगे, फिर उसी हिसाब से करती हूँ. फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद. गाइस अब मैं क्या करती हूँ कि पहले खाना डाल देती हूँ सबका, फिर रोटी बनाती हूँ, फिर दे के आती हूँ, फिर खाना डालती हूँ, फिर रोटी बनाती हूँ, फिर दे के आती हूँ. क्योंकि फिर ना मतलब मेरे से साथ साथ नहीं होता, मैं थोड़ी स्लो हूँ. तो पापा का खाना डाल दिया है सब कुछ, अब मैं बस रोटी बना लूँगी. रसोई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, पहले सोच रही हूँ पहले रसोई साफ करूँगी, उसके बाद और काम देखूँगी खाना बना के. तो ऐसा करते हैं ये भी कर लूँ, किचन बहुत गंदी हो रही है, किचन भी साफ करनी है, बट कब करूँ, मुझे टाइम क्यों नहीं मिलता. मैं उठती भी जल्दी हूँ, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है. तो गाइस फिर अब रोटी बना लेते हैं, फिर मैं. तो गाइस अब क्या होता है कि ना मैं पोछे लगाने लगी, मम्मी ने भगा दिया मुझे, कह रही चल पक जाए यहाँ से. तो फिर अब मैं नहाने आई हूँ क्योंकि ऑलरेडी 12:15 हो गए हैं. मम्मी बोली बताओ ये नहाने का टाइम है, नहाएगी अभी तो फिर खाएगी कब. तो मम्मी हो गई गुस्सा और कह रही है मुझे नहीं है तेरे पे भरोसा, मुझे पता है मेरे बाहर जाने के बाद तू पोछा लगा लेगी, इसलिए मेरे सामने ऊपर जा और गेट की आवाज़ आनी चाहिए, गेट बंद हो रहा है. ठीक है मम्मी, कहीं नहा के आ. तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मम्मी जाने के बाद मेरे कमरे में भी तो लग रहे हैं ऊपर कैमरे, कि मैं भी कैमरे में से देख सकती हूँ कि मम्मी ऊपर चले, मम्मी बाहर चली गई, मैं चल जाऊँ पोछा लगाने. पर नो, हम ऐसा नहीं करेंगे. अब मैं जाती हूँ नहाने, निकालती हूँ अपने कपड़े. यार फिर वही परेशानी, क्या पहनूँ, आज थर्सडे, आज कुछ येलो पहनते हैं. तो कहीं से चलते हैं अब नहाने, फिर मिलते हैं थोड़ी देर. सब मैं नहा ली, अब चलते हैं नीचे, अब खाते हैं खाना, फिर खाना खा के सोएंगे, रेस्ट करेंगे अपना.
ये गंदे कपड़े हैं इन्हें भी ले जाती हूँ नीचे, कल धुल जाएंगे, आज तो थर्सडे है। तो गाइस फिर मिलते हैं खाना खा के। गाइस अब हम जा रहे हैं घूमने, हमने मतलब जैसे मूवी देखते रहे, ये लोग भी कहीं पे चले गए थे, ये सो रहा था। क्या हुआ क्या हुआ? अब ये सो के उठा है थोड़ी देर पहले, अब हम चल रहे हैं। अब इसके लिए खाने पीने की चीज लेके आएंगे, चीज लेके आएंगे, वीर के लिए चॉकलेट लेके आएंगे, वीर के लिए बिस्किट लेके आएंगे, वीर के लिए बहुत सारा खाना लेके आएंगे। तो गाइस फिर चलते हैं हम। क्या हो रहा है क्या हो रहा है? बस मम्मी भी अभी रेडी होके आ रही है, फिर चलते हैं। बाय बाय कर दे वीर, वीर बाय बाय करो, बाय 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 नहीं करेगा मुझे। तो गाइस फिर मिलते हैं। गाइस हम सारे रेडी हैं, ये हमारी मम्मी भी रेडी है, अब हम चलते हैं। ये वीर कैसे उतरेगा, वीर उतर के दिखा दे। अरे वेरी गुड बॉय। तो गाइस चलो फिर हैरियर में चलेंगे, हैरियर में थार में। तो गाइस थार में चलते हैं, फिर मिलते हैं चल के पहुंच के। अब गेट भी हम ही खोल लेंगे, गेट खोल के आती हूँ क्योंकि रामू भाई अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ पे चले गया। तो गाइस फिर गेट खोलते हैं, फिर मिलते हैं। बताना मैं कैसी लग रही हूँ, मैं मेरे ना ब्लेजर, मुझे मेरा बड़ा फेवरेट है ये, फिर अब के साल मैंने पहना ही नहीं था, लास्ट ईयर तो साइज प्रॉब्लम हो गई थी, अब के साल फिट आया है। लास्ट ईयर साइज प्रॉब्लम हो गई थी, मैं मोटी हो गई थी ना, मतलब थोड़े दिन ही पहन पाई थी, फिर भी था तंग थी, प्रेगनेंट थी ना, तो फिर नहीं हो रहा सब कुछ, तो इसलिए अब पहन रही हूँ। बताना कैसा लग रहा है, तो फिर मिलते हैं। जब मैं इनके कुछ काम में लगी थी तो व्लॉग ही नहीं बना पाई, तो अब हम आ गए हैं मॉल में, अब पार्किंग में यहाँ पे अपनी कार पार्क कर रहे हैं, फिर उसके बाद चलते हैं अंदर, रिलायंस में चलेंगे, वहीं से लेंगे सारा सामान, वीर का फेवरेट चॉकलेट्स केक्स। देखते हैं फिर तरीके की इनकी पार्किंग, कभी भी आ जाओ, हमेशा भरी रहती हो, कभी भी आ जाओ, एनी टाइम एनी डे। आज तो चलो वीकेंड नहीं है, थैंक गॉड। नहीं बहुत बार क्या होता है कि हम वीकेंड पे आ जाते हैं और फिर इतना ज़्यादा क्राउड होता है ना वीकेंड पे, फिर वीकडे चल रहा है बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। गाइस चलते हैं अंदर। तो गाइस हम आ गए हैं विले, कहाँ गए हम, कहाँ गए वीरो? मम्मी सेटिंग दुपट्टा, तो फिर अब थार को पार्क कर देते हैं, फिर चलते हैं। मम्मी आ जाओ, फिर चलते हैं बंदर। इतना खुश हो जाते हैं, मतलब बाहर निकल के तो नहीं, सही लगा लो जन्नत। तो गाइस सबसे बड़ी ट्रॉली थी ना वो लिए, क्योंकि अब हम लेंगे बहुत सारे कप नूडल्स इनके लिए, क्योंकि इनको बहुत पसंद है, और मैगी, मतलब देखो यहाँ पे मतलब सब कुछ मिल रहा है, मार्ट में आ गए हैं हम। तो गाइस फिर अब करते हैं शॉपिंग शुरू, फिर अपना लेते हैं जो भी सामान लेने का है बहुत सारा, तो उसके बाद चलते हैं घर। देखो इतने सारे हमने मैगी और कप नूडल ले लिए हैं, अब और क्या लेने हैं, कुकीज़ कपकेक्स ये सब देख लेते हैं, फिर चलते हैं। तो गाइस ये हो गया, अब हमारी ट्रॉली गुम नहीं हो सकती, चलें वीर। वीर और क्या चाहिए आपको? तो गाइस अब लेते हैं और कुछ देखते हैं, पॉपकॉर्न और ले लेते हैं, फिर देखते हैं हम क्या लेते हैं, कुछ नया सा, कुछ अलग सा, कुछ देखते हैं। तो एक चीज़ भी लेना है, और वीर के लिए चॉकलेट्स ले लेते हैं। ये रही यहाँ पे, क्या ले रहे हो इतना सारा? मेरे कान साफ है, मेरे कान इतने साफ है कि मुझे कुछ सुनाई भी नहीं देता, मतलब ना मैंने इतने कान साफ कर लिए हैं कि मेरा अब सुनाई नहीं देता मुझे, रहन दो। हमने सामान ले लिया, यहाँ पे अब बिलिंग हो रही है, तो फिर अब मिलते हैं थोड़ी देर। अभी हमारा सामान हो गया, उस बाद अब हम लेंगे कॉर्न, स्वीट कॉर्न, ये भैया पैक कर रहे हैं, मतलब पैक नहीं कर रहे, हम खाएंगे, मैं वीर और वीर की मम्मी, मतलब वीर की माँ जी। तो गाइस फिर देखते हैं कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे आइसक्रीम्स भी हैं, बट हमारे बहुत जल्दी कोल्ड कैच हो जाता है तो हम नहीं लेंगे, और फिर ये भी जिद करेगा आइसक्रीम खाने की वीर, तो फिर इसलिए नहीं ले रहे आइसक्रीम, इसलिए स्वीट कॉर्न खाएंगे।
तो गाइस फिर रोते हैं अभी। तो रेडी हो गए हमारे, अबे भाई तीसरा रेडी कर रहा है। ये वीर की शक्ल देखो, इसने वो क्या खाया था, इसने किंडर जोय खा के कैसा मुंह कर लिया है। तो मम्मी अब हम खाएंगे स्वीट कॉर्न, यम्मी यम्मी। मम्मी के मुंह में पानी आ रहा है ना मम्मी? हाँ पानी आ रहा है हमें। खाने का कैसे तो मिर्च की लग रही, सीसी क्यों कर रहे हो तो पानी? मिर्च नहीं तो होंगी ना, इतने मिर्च ना होएगा। अच्छा मैं तो उस पानी को उल्टा पी जाऊँ फिर ये है ना प्यास भी ना लगे। आपको आपको नहीं मिलेगा बेटा, वो आपके मतलब बन गए। देखो आपका सामान ये आपके लिए तो है सारा, ये सब हमारे लिए क्या है, आपके लिए ये। तो गाइस अब हम स्वीट कॉर्न खाएंगे, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस स्वीट कॉर्न बड़े भारी, मिर्च के हाथ लगा लिया आँख में, बहुत ज्यादा जलन हो रही है। और पीछे आगे देखो कितना ज्यादा मतलब क्राउड है, कितनी लंबी लाइन है पार्किंग के लिए, यहाँ खोलने का मन नहीं कर। नहीं भारी पड़ गए स्वीट कॉर्न, और सारे खाए भी नहीं गए, बहुत ज्यादा स्पाइसी थे। ज्यादा स्पाइसी तो खाया नहीं जाता, नाक और चलेगी यार, आंख ही नहीं खोलने का मन कर रहा। तो गाइस फिर चलते हैं फटाफट घर, बस अब घर पकड़ना मुश्किल हो रहा है, एक बार जल्दी से घर जाके मैं अपना गर्मी मार रहा है। हाँ तो फिर मिर्च ना मिर्च ठीक कर, एक बार और एक चम्मच एक डायरेक्ट लगा ले आपका ठीक हो जा रही। तो गाइस देख लो मेरी मम्मी, मतलब मम्मी है ये, मम्मी ऐसे करती है बच्चों के साथ, ये तो शिक्षा दी। मैं रोने लग जाऊंगी। तो गाइस फिर चलते हैं, मतलब इतना कुछ वो भी नहीं हो रहा, ऐसे तो मेरे लगते रहते जब मैं हरी मिर्च के हाथ आंख पे लगा लेती हूँ तो फिर ये तो कुछ नहीं। गाइस फाइनली बस अब हमारा नंबर आ गया है, तो अब हम अपना देते हैं स्लिप, तो वो थोड़ी सी देर के 40 रुपए ले लेते हैं। तो 40 तो गाइस हो गया अब 10। अब चलते हैं फटाफट, ये एलन टाउन सेंटर क्या है इसके अंदर? PVR सिनेमाज ओपनिंग सून, इसमें भी सिनेमाज खुलेंगे। तो चलो गाइस देखते हैं आगे अब क्या होता है, मतलब शाम होती रहती है, मतलब शाम को घूमने में भी कितना मजा आता है ना। वैसे बहुत ज्यादा मजे हो गए, पापा भी घर पे नहीं है तो फटाफट चलते हैं घर पे, पापा भी कहीं के लिए निकल पड़े हैं। क्योंकि हमने अपनी गज्जक और मूंगफली काफी दिन हो गए थे पापा के लिए स्वीट कॉर्न पैक करवा लिया, अरे नहीं दीदी नहीं हो पाएगा, वो मांग रहा था 120, मैंने कही सही से लगा ले, फिर अरे दीदी चलो ठीक है आपको 110 दे देंगे। तो फिर मैं ठीक है 110 दे दे, एक बार कहने में के जा है। तो गाइस वही वाली बात है ना, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए, मोहल्ला में चले जाओ वहाँ भी तो देख के आते हैं मुँह मांगे, तो ये तो बेचारे फिर भी अब कॉर्न खाए थे हमने तो फिर 60 रुपए की एक कप था ना, 60 का, हाँ ये कितना बड़ा कप है, इतना सा कप तक ये 60 रुपीज का दिया उसने, और यहाँ पे बेचारा 120 की मूँगफली दे रहा था। तो मतलब वही वाली बात है मेंटेलिटी लोगों की, ये 1 किलो मिल गया, 1 किलो में फिर भी वही है। तो चलो फिर गज्जक भी ले लिया हमने साथ साथ, तो फिर अब चलते हैं घर की तरफ। ये हो गया जाकर दिराम में करते नहीं बस है भाई, 10 रुपए कम दो छोले कम दो यार, तो ऐसे नहीं होता। कलकत्ता जी मॉल मतलब चले अंदर, हाँ तो मैं वही तो कह रही हूँ, हम मॉल में जाते हैं किसी मतलब बड़े स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे तो हम ये सब नहीं करते ना। 2500 की टी-शर्ट नहीं नहीं 2000 दूंगी। अच्छा फिर वो कहो नहीं 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 होगा ऐसा, फिर तुम कहे नहीं नहीं 2100 दूंगी। अगली बार मतलब वही वाली बात, आप लेके और ना जाओगे अपने साथ कि मैं नहीं लेके जाऊंगा। तो गाइस अब हमारा सनसेट भी होने वाला, दिखाती हूँ कितना अच्छा व्यू आ है। वीडियो में इतना
गाइस एक चीज दिखाते हैं, ये वीर का टॉय है, उसमें से निकला था इसके किंडर जॉय में से, जो इसने क्या है, कछुआ है ना, ऐसा सही लग रहा है, तो पता नहीं कौन सा एनिमल है, एलेपिनो, हाँ पता नहीं क्या है, कछुआ ना, पर नहीं पीछे वाली टोपी देख के ऐसा लग रहा था यो है ना, जैसे इसने खतरा महसूस हो, यो अपने शेल के अंदर चले जा, यो बिल्कुल राउंड हो जाए। अच्छा गाइस कमेंट बॉक्स में बताओ इसका नाम क्या है अगर आपको पता हो तो। तो फिर अब चलते हैं घर की तरफ। आज वीर ने मतलब फर्स्ट टाइम वीर जाके मतलब अपने उस पे क्या था वो किंडर जॉय पे मतलब पकड़ के वहाँ पे ऐसे बोल मतलब लूंगा। फिर उसके पापा गुस्सा करने लगे मतलब अभी से जिद करता है। फिर माँ जी दिलवाऊंगी फिर इसकी माँ जी इसके बहुत सारी चॉकलेट्स और बहुत सारे किंडर जॉय लेके आई हैं। तो आज वीर का बहुत सारा खाने का सौदा पानी हो गया है। अब वीर राज जी अब ना जाए वीर ऊपर एक सेकंड भी, मैं तो माँ जी के पास रहूंगा क्योंकि चटोर पड़ना मिलेगा ना इसको खाने। अभी तो फ्रूटी की पेटी बच रही है इसकी, वो आ जाएगी तब बिल्कुल। तो सही है वीर अपनी माँ जी के पास है। तो गाइस अब चलते हैं घर पे, आप बस पहुँच गए, देखते हैं क्या करते हैं, अपने खाने की तैयारी करेंगे, फिर डिनर की तैयारी क्या बनता है आज डिनर में देखते हैं। अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में, अब मैंने अपनी किचन साफ़ कर दी है मतलब बर्तन साफ़ कर दिए हैं, अब चटनी की तैयारी कर रही हूँ। आज बनेंगे ब्रेड ऑमलेट सैंडविच चीज़ का, चीज़ वाले क्योंकि आज चीज़ आ गया ना, चीज़ ख़त्म हो रहा था। और रामू भाई की और मेरी हम बनाएंगे अपनी दाल रोटी मतलब दाल की रोटी, दिखाती हूँ मैं वो कैसे। वो मैंने दाल में आटा लगा लिया और मतलब छोंक के बढ़िया मज़ेदार, देखो कलर दिखाती है। अब मैं इसकी बनाऊँगी रोटी, रोटी बन जाएंगी तब दिखाऊंगी, और फिर मिर्च के अचार के साथ और आम के अचार सब खाएंगे इसको। मुँह में पानी आ रहा है। और बनाऊंगी हरी मिर्च धनिया लहसुन अदरक टमाटर प्याज की चट से पहले चटनी बना देती हूँ और अपनी और रामू भाई की रोटी बना देती हूँ, बाकी काम बाद में करिए। तो भी मिलते हैं थोड़ी। चटनी लगा दी है मोजरेला चीज़ और इसमें है सारा सामान जो पता है। आज करेंगे हम नया एक्सपेरिमेंट। नए एक्सपेरिमेंट के लिए मेरे पास टाइम है क्योंकि सबने खाना खा लिया है, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, ये कह रहे हैं अभी भूख नहीं लग रही, तो फिर अभी करते हैं। अगर बन गया अच्छा तो इनको दे दूंगी, नहीं अच्छा लगा तो दोबारा बना दूंगी। तो अब करते हैं फटाफट, फिर दिखाती हूँ आपको कैसा हो गया। अब ऐसा अब मैं इसके ऊपर मोजरेला चीज गार्निश कर दूंगी, फिर इस पर मैंने भर भर के मतलब सही सा चीज गार्निश कर दिया है। अब मैं इसको फोल्ड कर दूँ, फ्लिप कर दूंगी, फिर उसके बाद इसे सेकेंगे, फिर टेस्ट करते हैं। यार मैं तो भूल गई कैसे बनाऊंगी, अब क्या करूँ, इसको तो फोल्ड कर देती हूँ तो फिर ये कच्चा रह जाएगा। ओ माय गॉड, चलो देखते हैं अब कैसे करते हैं। देखो मैंने इसको फ्लिप कर दिया है, अब इसके ऊपर फिर से भर भर के गार्निश कर देती हूँ, मंदी गैस है, और करके फिर इसको फोल्ड करके फिर सेकना नहीं कैसा है, बट देखते हैं पूछ के आती हूँ उनसे कैसा बना है, थोड़ा इसको टेस्ट करके देख लेती हूँ पहले। आई होप गाइस इस वाले में मैंने डिप करके डाला है ये, उसमें मैंने मतलब पहले ऑमलेट डाल दिया था, फिर वो करते हैं कैसा हो गया खाजला सा। तो अब इसको फ्लिप कर दूंगी, फिर इस पे मोजरेलो चीज गार्निश कर फिर करूंगी। ये वाला अच्छा बनेगा क्योंकि हमेशा पहला एक्सपेरिमेंट तो खराब होता है, दूसरे में हम सीख जाते हैं दूसरी बार में कैसे करते हैं। तो फिर अब देखते हैं, ये वाला ज़्यादा टेस्टी बना है, मैंने बोला था ना ये वाला तो पागल सा लग रहा है। सॉस के साथ अब इन्हें देख के आती हूँ, देखते हैं अब उनके रिएक्शन क्या कहते हैं, कैसे लगते हैं। अब यार गरम बन गए, गलती हो गई गरम बनाना है। ये यू लव दिस है ना सच में। अब ये बता दो फटाफट कैसे हैं। हाँ हाँ फूंक मार के खाना, कभी मुंह जलवा लो। ठोक ठोक का चीज बना ना उसी का तो टेस्ट आता है वो मेरा ब्लॉग आएगा ना तब पता चलेगा आपको कि कितना चीज भरा है सच में। मैंने मतलब ना एक्सपेरिमेंट था ये मेरा, मतलब कुछ नहीं है वैसे तो, ब्रेड ऑमलेट है वो, धनिया वाली चटनी है वो, और मतलब ब्रेड ऑमलेट नॉर्मल जैसे बनाती हूँ मैं वो, और वो बस मोजरेला चीज ऐड करा है। ये वाला एक बार ये वाला टेस्ट करके बताओ। ये मैंने पहले बनाया था, फिर मैं अपनी वीडियो एडिट करने लगी थी, फिर मैंने ये बनाया। मतलब ये फर्स्ट टाइम होता है तो थोड़ा हो जाता है ना, समझ रहे हो ना
ये वाला ठंडा है, इसमें no, feel like. इसमें इतना चीज नहीं डाला ना मैंने, feel भी नहीं. ये वो पहला था ना. तो फील इन जरूर, थोड़ी पेट भर रहे हैं है ना. यार प्लीज ऐसे मत करो. बना दे मतलब पैकअप कर दिया मैंने, बस हो गया, अब यही खा लेते जाओ. चलो ठीक है. तो गाइस वन मोर रेडी इनके लिए, बोले एक और बना ला, तो भी एक और बना के आई हूँ. ये वाला पता नहीं कैसा होगा, ये तो लेट भी गए. और नहीं खाना घर में जो भी कोई कुछ भी खाता है तुम बनाती हो प्यार से अच्छा सा बच्चों के लिए, जो बचा हुआ होता है ना उसको मत खाओ, यही मंत्र है. अब मैंने इनके लिए बनाया था वो चीज़ मोज़रेलो चीज़ वाला, वो मैं लेके गई बना के ब्रेड ऑमलेट. अब इन्होंने तो वो खा लिया, मतलब आधा छोड़ दिया. अब जो पहले मैंने बनाया था वो फर्स्ट वाला, वो सारा मैंने खाया. जो इन्होंने आधा छोड़ दिया वो भी मैंने खाया. और फिर मेरे क्या रिएक्शन थे, मम्मी मेरा पेट क्यों बढ़ रहा है, मम्मी मैं मोटी क्यों हो रही हूँ, दिस इज द रीज़न. मतलब मैं बाद में खा के रिग्रेट होता, मैंने क्यों खा लिया टेस्ट टेस्ट में. और अभी तो दूध पीना बाकी है यार. तो गाइस चलो फिर चलते हैं, अब अपनी किचन साफ करते हैं, जो फैलारा फैला पड़ा है इसे भी करते हैं निपटा दे. तो गाइस अब चलते हैं ऊपर अपने कमरे में फाइनली, क्योंकि मेरा सारा काम हो गया. अब आज कब लोग यहीं पेंड करते हैं. आज का डे बहुत ज़्यादा टायर्ड ही था, मतलब बहुत ज़्यादा थक गई. और मतलब कुछ काम भी नहीं करती मैं, और थक भी इतना चाहती हूँ. तो गाइस फिर अब मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ. ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं. बाय बाय.